दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा गुरुग्राम तक पहुंच गया। आफताब के दफ्तर तक आसपास गई दिल्ली पुलिस, वहां भी पुलिस लगातार जंगलों की खाक छान रही कि कुछ मिल जाए। रितु बताइए, गुरुग्राम में आज क्या एक्शन दिखा दिल्ली पुलिस का? जी देखिए, दिल्ली पुलिस के जो दायरा है वो गुरुग्राम पहुंचा और यहाँ पर क्योंकि पुलिस को ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो एक कंपनी है सीवेंट, यहाँ आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यही वो कंपनी है जहाँ पर जो तथा कथित आरोपी आफताब है वो काम करता था। और ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर मई के बाद जब आफताब ऑफिस आता था तो ऑफिस से आने और जाने के क्रम में यहाँ पर भी वो कुछ सबूतें छोड़ता था और यहाँ उसके ऑफिस से महज 30 से 35 मीटर की दूरी पर ही एक जंगल इलाका है जहां पर वो यहां सबूत फेंकने की आशंका दिल्ली पुलिस को थी, शक था और उसी के आधार पर, उसी के बुनियाद पर यहां पर दिल्ली पुलिस तकरीबन सुबह के 10 बजे यहां पहुंची और यहां ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये जंगल नुमा, यहां पर छानबीन की गई, तफ्तीश की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से। और हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यही वो स्पॉट है इस जंगल पे, यही वो स्पॉट है जहां से दिल्ली पुलिस को एक प्लास्टिक मिली, पॉलिथीन मिली जिसमें सबूत के तौर पर, जी बिल्कुल यही वो स्पॉट है जहां से दिल्ली पुलिस ने एक प्लास्टिक उठाई, पॉलिथीन उठाई जिसमें सबूत के तौर पर कुछ दिल्ली पुलिस को मिला। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी ये सामने नहीं आया है कि दिल्ली पुलिस को क्या मिला है, ये जांच का विषय है और जांच के बाद ये पुख्ता तौर पर हम कह सकते हैं कि सबूत के तौर पर क्या कुछ मिला है। लेकिन दिल्ली पुलिस को यहां से एक प्लास्टिक मिली है जिसकी खबर हम लगातार टीवी लाइन, ठीक है आप रहिए ऋतु मेरे साथ रहिए, पुनीत के पास चलते हैं। पुनीत, दिल्ली पुलिस की पूरी जांच को ट्रैक कर रहे हैं, आफताब के घर भी कल वो थे, आज भी आफताब के घर के पास से हमारे साथ पुनीत जुड़ रहे हैं। सीधे पुनीत शर्मा के पास चलते हैं। पुनीत, जानकारी ये दी जा रही है कि दिल्ली पुलिस के हर थाने को कह दिया गया है कि भाई कुछ भी मिले इस जांच में या पिछले कुछ दिनों में जितनी भी लाशें मिली हो, अननोन जितने भी इस तरह के टुकड़े मिले हो, उनका क्या रिजल्ट रहा वो बताया जाए। बताइए इस बारे में और इस आदेश के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, जमाने के बाद दिल्ली पुलिस एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है और ये सर्च ऑपरेशन है श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को और साथ में हत्या में इस्तेमाल किए गए वेपन को बरामद करना। और इसीलिए दिल्ली के 15 जिलों के 178 थानों की पुलिस को लगा दिया गया है कि अभी मई से लेकर के जो अगस्त तक में या खासतौर से जुलाई तक की बात करें तो कोई अगर अज्ञात लाश मिली हो उसके बारे में डिटेल करना, अगर किसी लाश के शरीर के टुकड़े मिले हैं तो वो उन टुकड़ों का क्या हुआ, क्या उनकी पहचान हुई या नहीं हुई, या वो शरीर के टुकड़े लड़की के थे या किसी लड़के के, ये तमाम जो एविडेंसेस हैं वो जुटाने के लिए इन थानों को आदेश दिया गया है। इसके अलावा सातवां दिन आज लगातार है जब जो जंगल है मेहरौली का, वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और वहां से एविडेंसेस जुटाने की कोशिश की गई है। दिल्ली पुलिस को इस जंगल से ही 13 के आसपास जो है बॉडी पार्ट्स मिले थे, जबकि अब आफताब इस बात का खुलासा कर रहा है कि उसने जो श्रद्धा का उसको कहीं और फेंका है। मैं आता हूं पुनीत आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ा खुलासा है आफताब से जुड़ा हुआ, वो अपने व्यूअर्स को बताते हैं। बड़ा लाउड एंड क्लियर खुलासा आफताब के बारे में, आफताब के बारे में एक एक जो कच्चा चिट्ठा खुल रहा है वो बताता है कि ये शख्स बहुत ही आपराधिक मानसिकता का है। आफताब ने पुलिस के सामने खुलासा किया है, बड़ा खुलासा। पूछताछ में बताया आफताब ने कि वो नशे का आदी है, गांजा पीने को लेकर श्रद्धा टोकती थी। सूत्र बता रहे हैं कत्ल के दिन यानी 18 मई को भी आफताब नशे में था, यानी कत्ल के दिन भी आफताब ने नशा किया था। जल्दी से आपको बताते हैं कि कत्ल के दिन क्या हुआ, क्या हुआ कत्ल के दिन जिस दिन उसने श्रद्धा का न केवल कत्ल किया बल्कि उसके 35 टुकड़े कर दिए। बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको कत्ल के दिन क्या हुआ। घर के खर्च को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हुई, आफताब घर के बाहर गया, उसने गांजे की सिगरेट पी, इसके बाद घर आकर श्रद्धा जब आफताब पर इसको लेकर चिल्लाती है तो आफताब गुस्से से आंख बबूला हो जाता है। गुस्से में घर आकर श्रद्धा जब आफताब पर चिल्लाई तो गुस्से में आफताब ने श्रद्धा का गला दबा दिया, उसकी हत्या कर दी। 18 मई को रात 9 बजे से 10 बजे के बीच उसने यह हत्या की है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से सीधे उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, अब देखिए एक के बाद एक लगातार नए खुलासे दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस के सामने यह केस बहुत दिनों बाद एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। पुनीत बता रहे थे कि कैसे पूरी दिल्ली पुलिस को कह दिया गया है कि कुछ भी मिले तो बताओ, लेकिन अब यह जांच का दायरा दिल्ली से आगे बढ़कर कई और राज्यों तक पहुंच चुका है। बताइए अभी पुलिस और किस किस थ्योरी पर काम कर रही है?
जी बिल्कुल, देखिए तमाम थ्योरी इस वक्त पुलिस के सामने तैरती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि पुलिस उन तमाम लोगों तक पहुंचना चाह रही है जो श्रद्धा और आफताब के संपर्क में थे, वो लोग जिनको श्रद्धा ने अपनी आपबीती सुनाई थी, श्रद्धा के वो दोस्त जिनके बारे में जिनके साथ वो लगातार आफताब की शिकायतें करती थी मारपीट को लेकर। तो इन तमाम लोगों के ना सिर्फ बयान दर्ज किए जा रहे बल्कि दिल्ली पुलिस इस वक्त हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा मुंबई और साथ ही गुरुग्राम हर लोकेशन पर मौजूद है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वो जगह है जहाँ पर आफताब और श्रद्धा घूमने फिरने के लिए गए थे और इसके अलावा वहाँ पर बताया जाता है कि हिमाचल के जिस होटल के अंदर ये ठहरे थे वहाँ पर बाकायदा दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। तो ऐसे में पुलिस के लिए जितने भी सर्कमटेंशियल एविडेंस हैं या फिर इस तरीके के स्टेटमेंट हैं, बहुत दर्ज करने बेहद जरूरी।